नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। आज अमावस्या के दिन ही शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन नदी स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म और उपासना की जाती है। मान्यता है कि सती सावित्री के पति के प्राण यमराज ने हर लिए थे। सती सावित्री अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या में लीन हो गई थी। सती सावित्री की घोर उपासना और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण मांगे। परंतु यमराज ने कहा कि सुंदरी, ऐसा करना असंभव है। तभी सावित्री ने जिद की कि महाराज, पति के बिना महिला का श्रृंगार अधूरा है। अगर मेरे पति के प्राण आपने हर लिए तो मेरे भी प्राण ले लो। परंतु यमराज को ऐसा करना असंभव हुआ। तभी यमराज ने प्रसन्न होकर सती सावित्री को उनके पति के प्राण वापस कर दिए। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस विषय में पूजा कर रही महिलाओं ने जानकारी दी कि पुरानी परंपराओं के अनुसार सुहागन महिलाएं आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार कर दुआएं मांगती हैं। मथुरा से हमारी संवाददाता ओमवी सारस्वत की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम राजेश है। ये आज बड़मावस है, क्या प्रथा है, क्यों पूजा की जा रही है बड़मावस? इसकी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। सबसे जेठ की सबसे बड़ी अमावस्या है। इसको सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़ाया था, उसके प्राण हर लिए थे यमराज ने, तो अपने पति को छुड़ा के लाई थी और अपने सास ससुर की नेत्र की ज्योति मांगी, सास ससुर का राज्य वापस मांगा, 100 पुत्रों का माँ होने का वरदान मांगा। इस वजह से यमराज को हार माननी पड़ी और उसके पति को वापस लौटाना पड़ा। उसी दिन से ये प्रथा चली आ रही है। सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को पूजा करती हैं। बटमा क्यों की जा रही है, क्या कारण है? आज के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए थे यमराज से, इसलिए आज सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा कर बरमावस की पूजा करती हैं। जेठ की अमावस आती है और जेठ की अमावस को वर की पूजा करते हैं। हर सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा करती हैं।